खरगोन जिले में खंडवा से पहुंचे जिला कल्याण अधिकारी ने सैनिक परिवारों को विश्वास दिलाया है कि खरगोन में सैनिक नगर स्थापित होगा। दरअसल जिला कल्याण अधिकारी मोहम्मद नासिर शुक्रवार को खरगोन सर्किट हाउस पहुंचे और सैनिक परिवारों से मुलाकात करते हुए उनकी मूलभूत सुविधा सहित समस्याओं को समझा और निराकरण के नाम पर जिले में सैनिक नगर बनवाने की बात कही है। इस दौरान मीडिया चर्चा में अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया कि समस्या से निपटने के नाम पर सैनिक नगर निर्माण कराने में प्रशासनिक स्तर पर भरघस कोशिश करेंगे, जिसमें देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के परिवार सुकून से अपना जीवन यापन कर सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ, खंडवा में हमारा हेडक्वार्टर है और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये चार ज़िले हमारा कार्य क्षेत्र में आते हैं और अभी मैंने पदभार ग्रहण किया है। तो जैसे ही मुझे पता पड़ा कि मेरे कुछ सैनिक जो हैं अब वो हमारे परिवार में से नहीं रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए मेरा मुख्य पर्पस था आने का। मैंने उनकी जानकारी ली और संज्ञान में लेकर उनकी जो परेशानियाँ डेथ के बाद आ सकती हैं, उनके परिवार को सुलभ करवाने के लिए वेलफेयर स्कीम्स जो होती हैं उनसे उनको अवगत कराया और उनसे कुछ कागजात थे मैंने तैयार करके हमने उनके अगली कार्रवाई के लिए मदद के लिए हमने उनको किया है। इसके लिए हम ये आज मेरा दौरा था। सैनिक नगर एक हमारे खरगोन के लिए एक नई सौगात है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी ये बहुत बहुत जल्द होगा इसके बारे में कुछ भी बोलना, लेकिन हम प्रशासन की मदद से एक सैनिकों के लिए पुनर्वास योजना हम चाहते हैं। तो इस पर मेरी प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत होगी और यदि उनसे मुझे उचित मार्गदर्शन होते हुए और सहायता मिली तो हम बहुत जल्द यहाँ पर भी एक सैनिकों के लिए छोटा सा सैनिक नगर, क्योंकि हमारे करीब करीब 200 से 250 परिवार हैं यहाँ पर खरगोन के अंदर, तो उनके लिए हम अपनी एक कॉलोनी बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी कॉलोनी होगी और लोग उसको देखेंगे कि हाँ, एक अनुशासन में रहकर हम लोग किस प्रकार से अनुशासनबद्ध एक अच्छी कॉलोनी भी दे सकते हैं। ये एक प्रयास है हमारा, ये प्रशासन की मदद से ही हो पाएगा। तो इसलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगु करना या चर्चा करना मैं नहीं समझता कि न्यायसंगत होगा। 30 मई को हमारे यहाँ, ये खरगोन का सौभाग्य है कि हमारे सैनिक परिवार में से एक परिवार ऐसा भी है जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उसी लिए हम 30 मई को शहीद अमर सिंह यादव का जो है, अमर राजेंद्र सिंह यादव का जो है, हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर घुघरिया खेड़ी है, वहाँ पे उनका स्मारक भी है, तो वहीं पर ही प्रोग्राम होता है हमारा हर साल ये। तो इस साल भी हम उसी हमारे वीर शहीद को, जो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, वो उसको हम श्रद्धांजलि अपने तरीके से देते हैं, सैनिक के तरीके से देते हैं और उसमें खरगोन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ये मुझे बड़े हर्ष के साथ बोलना पड़ता है कि हमारा खरगोन का जो नागरिक है वो बहुत ही संवेदनशील है और सेना के प्रति अपना आदर और आदर भाव का उसने हमेशा बहुत बढ़ चढ़ के प्रदर्शन किया है। तो मैं आह्वान करता हूँ खरगोन की जनता का कि 30 मई को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि खरगोन में भी इसको चैनल्स के माध्यम से हम इसको प्रसारित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके हमारे पार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।